अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अरूद फातिमा और आप लोग देख रहे हैं देखो टीवी। दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर मुल्क की अपनी ही एक वैल्यू होती है और अगर इनके पासपोर्ट्स की बात करें तो इनके पासपोर्ट्स की भी अलग अलग वैल्यू होती हैं। पासपोर्ट दुनिया में कहीं पर भी सफ़र करने के लिए ज़रूरी समझा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल देखो टीवी को सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। नंबर 10, स्पेन। दोस्तों, पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक स्पेन के सिटीज़न 160 ममालिक से ज़्यादा मुल्कों में अपने वीज़ा के बगैर पासपोर्ट की मदद से जा सकते हैं और इनमें से 125 ममालिक में इस पासपोर्ट पर वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जबकि बाकी के 42 ममालिक में दाखला तो बगैर वीज़ा के हो सकता है मगर एयरपोर्ट पर इन्हें वीज़ा भी मिल जाता है। नंबर 9, स्वीडन। दोस्तों, स्वीडन का पासपोर्ट स्पेन से थोड़ा आगे है। पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक स्वीडिश पासपोर्ट होल्डर्स 127 ममालिक में बगैर वीज़ा के रह सकते हैं, जबकि बाकी के 39 कंट्रीज़ में इन्हें अराइवल पर वीज़ा मिल जाएगा और इन्हें पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही स्वीडन पासपोर्ट पर गैम्बिया मुल्क में 90 दिन तक बगैर वीज़े के भी रहा जा सकता है। नंबर 8, इटली। दोस्तों, वैसे तो इटली ख़ुद भी बहुत खूबसूरत और एक हिस्टोरिकल कंट्री है, लेकिन इटालियन पासपोर्ट भी कुछ कम नहीं है। अगर इटालियन पासपोर्ट होल्डर्स किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो इन्हें ट्रैवल फ्रीडम मिलता है। इटालियन नेशनल्स पूरे यूरोप में बगैर वीज़ा के कहीं भी जा सकते हैं। नंबर 7, डेनमार्क। दोस्तों, पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक डेनमार्क के पासपोर्ट होल्डर्स दुनिया भर में 127 ममालिक में कहीं पर भी बगैर वीज़ा के फ्रीली जा सकते हैं और बाकी के 39 ममालिक में बगैर वीज़ा के एंटर होकर पासपोर्ट से क्विक वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इन ममालिक में अरब, एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका के काफ़ी सारे ममालिक शामिल हैं। नंबर 6, फिनलैंड। दोस्तों, डेनमार्क और फिनलैंड के पासपोर्ट में सिर्फ एक पॉइंट का ही फ़र्क है। ये दोनों पासपोर्ट्स बहुत ही पावरफुल हैं और ट्रैवल फ्रीडम भी रखते हैं, लेकिन हाल ही में फिनलैंड का पासपोर्ट पाकिस्तान की वजह से डेनमार्क से आगे निकल गया। पाकिस्तान ने फिनलैंड को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत दी है, जबकि डेनमार्क के पासपोर्ट पर पाकिस्तान आने के लिए पहले वीज़े के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। नंबर 5, जापान। दोस्तों, जापान का पासपोर्ट पहले दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट्स में दूसरे नंबर पर मौजूद था, पर पिछले कुछ सालों में इसकी रैंकिंग गिर गई है और ये 5वें नंबर पर आ चुका है। और पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक ऐसा जापान की मईशत गिरने की वजह से नहीं है, बल्कि दूसरे ममालिक की मईशत जापान से आगे निकल गई है। नंबर 4, जर्मनी। दोस्तों, जर्मनी के पासपोर्ट ने पिछले कुछ अरसे में डिप्लोमेटिक तौर पर इम्प्रूवमेंट की है, यहाँ तक कि जापान के पासपोर्ट की रैंकिंग को डाउन करने में इसी का हाथ ही है। इन्हें हाल ही में जापान से 5 पॉइंट्स ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि 2018 में जर्मनी के पासपोर्ट को मज़ीद 5 कंट्री में वीज़ा फ्री एंट्री का एक्सेस मिला है। नंबर 3, साउथ कोरिया। दोस्तों, शायद आपको पता हो कि नॉर्थ कोरिया का पासपोर्ट दुनिया के सबसे वर्स्ट पासपोर्ट्स में से एक है, मगर साउथ कोरिया का पासपोर्ट दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद है। साउथ कोरियन पासपोर्ट पर आप 135 ममालिक में बग़ैर वीज़ा के रह सकते हैं, जबकि 44 ममालिक में आपको अराइवल के बाद वीज़ा इशू कर दिया जाता है। इसके अलावा कनाडा और यूके में साउथ कोरियन पासपोर्ट होल्डर्स 6 महीने तक फ्रीली रह सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ कोरिया का पासपोर्ट ट्रैवल लवर्स के लिए एक ख़जाना है। नंबर 2, सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जिसने 1950 के बाद एक रेवोल्यूशनरी तरक्की की है और सिंगापुर के सिटीजन्स दुनिया के चंद एक ममालिक को छोड़कर दुनिया में कहीं भी फ्रीली रह सकते हैं। इसके पासपोर्ट पर आप दुनिया में कहीं भी 147 ममालिक में बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं और साथ ही 45 ममालिक में वीज़ा ऑन अराइवल की सर्विस भी मौजूद है, और जॉर्जिया में सिंगापुर सिटीजन्स एक साल तक बगैर वीज़ा के रह सकते हैं। इवन इस पासपोर्ट पर अमेरिका जाने के लिए भी किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 1, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक 2018 तक यूएई का पासपोर्ट दुनिया के 36 ममालिक से पीछे था,
مگر 2019 میں انہوں نے اپنے پاسپورٹ میں ایسے چینجز کیے کہ دنیا بھر کے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یو اے ای کے پاسپورٹ ہولڈرز 169 کنٹریز میں بغیر ویزا کے فری انٹری کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای کے لوگ بہت رچ ہوتے ہیں اور یہ اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جانے کی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے یو اے ای کا پاسپورٹ دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل پاسپورٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور لائک کریں گے۔ اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کس ملک کا ویزا حاصل کرنا چاہیں گے۔ اور مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔